बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वो चालाक और दयावान था। उसका राज्य बहुत बड़ा और प्रसिद्ध था, पर वो बहुत उदास रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही आलसी थी और वहां के लोग कड़ी मेहनत नहीं करते थे, और तो और वे काम ही नहीं करते थे। राजा ने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें सबक सिखाया जाए। उन्होंने कुछ हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गहनों को घड़े में डाल दिया। और फिर साधारण आदमी का भेष बनाकर अपने साथ उस घड़े को उठाकर बाजार की तरफ चल पड़े। बीच गांव में पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है, तो सड़क के ठीक बीचों बीच राजा ने एक गड्ढा खोदा और घड़े को उस गड्ढे में रख दिया। और उसने उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। और फिर राजा ने इधर उधर देखा और नजदीक के पेड़ के पास जाकर छुप गए। उन्होंने थोड़ा समय वहां इंतजार किया। सुबह सुबह दूध वाला वहां से गुजर रहा था और उसने बड़े पत्थर को देखा और बड़बड़ाने लग गया। ये किसने इसे यहाँ रखा है? ये कहते हुए वो सड़क के किनारे से निकल गया। राजा ये सब देखकर बहुत उदास हुआ। बाजार में भीड़ बढ़ते ही सब सड़क के बीच रखे पत्थर के बारे में बात करने लगे, पर किसी ने उसे वहाँ से हटाया नहीं। ताजुब है कि ये यहाँ कैसे आया? क्या करना है, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? जब एक बैलगाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो राजा बहुत ही खुश हुए। चलो अब तो कोई यहाँ से पत्थर को हटाएगा। लेकिन उसने भी पत्थर को नहीं उठाया। उसने अपने चालक से कहा, गाड़ी घुमा लो, हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे, यहाँ पर तो बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। राजा ने सोचा, अगर ये सब ऐसे ही चला तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क से गुजर रहा था। वो कमजोर और थका दिखाई दे रहा था। जब वो बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा है, इसलिए पत्थर को वहां से हटाने लगा। ये देखकर वहां सब रुककर सोचने लगे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। राजा देखता रहा। पूरी कोशिश करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने पत्थर को वहां से हटा ही दिया। अरे ये क्या, उसने खजाने को देखा और आश्चर्य से बोला, इस खजाने का मालिक कौन है, कोई जानता है? लोग इकट्ठा हो गए। ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरी दुकान के पास मिला है, इसलिए ये मेरा है। ये सब लोग झूठे हैं, ये खजाना मेरा है, लेकिन अब ये सब तुम्हारा है। ये कहकर राजा पेड़ के पीछे से बाहर आए। मैंने ये घड़ा यहाँ रखा था, मैं देखना चाहता था कि कौन पत्थर हटाएगा और खजाने का मालिक बनेगा, पर तुम में से किसी ने नहीं किया। ये खजाना इस बूढ़े और नेक आदमी को दिया जाता है। मेरे राज्य के आलसी प्रजाजनों, याद रखो, जिंदगी खजाने से भरी पड़ी है, पर अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। ये कहकर राजा वहां से चले गए। शिक्षा ये है, आलसियों को कभी भी इनाम नहीं मिलता है।